कह रहे हैं कि सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन अभी बातचीत पूरी नहीं हो पाई है, चर्चा जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी पक्षियों की कब्रगाह बन चुकी सांभर लेक के मामले में सरकार ने समय पर जरूरी कदम नहीं उठाए। हजारों पक्षियों की मौत के कई दिनों बाद भी रेस्क्यू शुरू नहीं करने से स्थिति भयावह हो गई। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से मामले में नियुक्त किए गए न्यायमित्र ने अपनी रिपोर्ट में खामियां निकालते हुए कोर्ट को कई सुझाव दिए हैं। न्यायमित्र की रिपोर्ट के कुछ तथ्यों पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना सांभर की नमक बनाने वाली निजी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाए। न्यायमित्र ने दो दिन पहले ही सांभर लेक का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान न्यायमित्र को मौके से बड़ी खामियां पाई थी और जिनके आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में कई खुलासे किए गए हैं। मैंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं कि इसको या तो कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर के इस लेक को संभाला जावे या फॉरेस्ट एरिया घोषित किया जावे या फिर भरतपुर की जैसे जो नेशनल बर्ड सेंचुरी है वैसे बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर करके हमको इसको प्रिजर्व करना है, ये हमारी ड्यूटी है प्रिजर्व करने की। सेकंड चीज़ ये है कि रेस्क्यू सेंटर्स जितने भी हैं गवर्नमेंट ने केवल एक रेस्क्यू सेंटर बना रखा है और वो भी कम से कम उस लेक से 15 से 20 किलोमीटर दूर है। वहीं पर साइड पर लेक पर रेस्क्यू सेंटर बनाए जा रहे हैं और टेम्परेरी रिलीफ इमीडिएट रिलीफ उन पक्षियों को दिया जा रहा है। और भाई आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि न्यायमित्र की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। तो सरकार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, ये कहा गया है। हजारों पक्षियों के शवों से बढ़ा है संक्रमण और निजी फैक्ट्रियों के केमिकल से हुआ है रिएक्शन और दूसरी तरफ रेस्क्यू में देरी से हजारों पक्षी जो हैं वो इसकी चपेट में आते गए हैं। सरकार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और इसी वजह से ऐसी स्थिति जो है भयावह स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। उधर दूसरी तरफ हजारों पक्षियों के शवों से संक्रमण जो बढ़ा है इसकी एक बड़ी वजह यह भी माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि दूसरी तरफ निजी फैक्ट्रियों के केमिकल से रिएक्शन शुरू हुआ सांभर त्रासदी पर। न्यायमित्र की रिपोर्ट में इस तरीके की बातें सामने आई हैं और वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ कई और बातों का भी जिक्र किया गया है, तो बड़ी बातें कौन कौन सी हैं तो वो भी जरा देखिए आप ग्राफिक्स के जरिए। रेस्क्यू में देरी से हजारों पक्षी चपेट में आते गए, हाईकोर्ट ने इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। उधर न्यायमित्र ने हाईकोर्ट को अहम सुझाव भी दिए हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुछ और बातों का जिक्र करें तो न्यायमित्र की जो रिपोर्ट आई है उसने कई और बड़े खुलासे भी किए हैं इसको लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब काफी गंभीर नजर आए हैं और आपको बता दें कि इसको लेकर कई टीमें अब तक दौरा भी कर चुकी हैं। उधर सांभर झील में हुई पक्षी त्रासदी के बाद प्रवासी पक्षियों की आने वाली खेप को लेकर एक अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक झील सांभर झील क्षेत्र में बॉटलिज्म के प्रसार को रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि आने वाले प्रवासी पक्षियों की खेप को मरने से बचाया जा सके। सांभर झील, घना पक्षी विहार, डीडवाना झील और खिंचन सहित अन्य स्थानों पर साइबेरिया सहित बाहरी देशों से आने वाली पक्षियों की दूसरी खेप उतरने को तैयार है। ऐसे में बॉटलिज्म के खतरनाक प्रसार को रोकने की कवायद कर मृत पक्षियों को हर हाल में झील से बाहर निकालने के निर्देश दिए गए हैं। तो फ्लेमिंगो आने वाले हैं, अभी तक हालांकि चहल पहल नहीं दिखी है लेकिन चूंकि अभी आने का समय है तो हमें बहुत सावचेत रहना होगा। और जैसा कि आज बताया जा रहा है कि डीडवाना के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, तो हम इस पानी के अंदर यहाँ के आसपास की सॉइल में इस तरह के कोई